सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज के इसी वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले कुछ टिप की बाइक लवर के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो ये पर आप लोगों ने देख सकते हो गाइस हमारे एडिटिंग को, ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस आप लोग को ये फोटो एडिटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप लोग को आगे जब भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगली वीडियो आपके टॉपिक पर लेकर आऊंगा। ओके, तो गाइस इसी वीडियो के अंदर मैंने जब भी कुछ यूज किया हूँ जैसे गाइस बिगिनर और पीएनजी, ये सभी का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोग नीचे के डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का ये एडिटिंग आप सभी को बहुत ही ज्यादा से पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस आप लोगों ने लाइक करना भूल जाते हो तो अभी सभी इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो का करते स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सेल एप्लीकेशन का ओपन करके ये वाले बैकग्राउंड का आप लोगों ने ओपन करना होगा। ओके, तो ये सब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने टूल्स के अंदर रहना होगा। देन गाइस आप लोगों ने पर क्या करना, क्रॉप के अंदर रहना होगा। तो आप लोगों ने पर क्या करना, अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर क्रॉप करना होगा। ओके, तो आप लोग का एक ऑप्शन देखा देगा पोर्ट्रेट का, आप लोगों ने सिंबल से वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, देन गाइस आप लोगों ने नीचे से पार्ट को आप लोगों ने यहाँ पर क्रॉप करना होगा। देन गाइस आप लोगों ने पर क्या करना, ऐसे आप लोगों ने आड़ फोटो के अंदर रहना होगा। ओके, ये रहा आड़ फोटो का ऑप्शन, आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पर चले जाइए। ये पर आप लोग को एक बाइक का पेज मिलेगा, आप लोगों ने सिंपल से इसी वाली बाइक वाली पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, देन इस पीएनजी को आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों ने नीचे इस टाइप का इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ओके, तो गाइस इसके नीचे मैं ऑलरेडी शैडो क्रिएट कर दिया हूँ तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं होगा। देन गाइस आप लोगों ने इसको डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया। ओके, तो ये सब क्या करेंगे, फिर से आड़ फोटो के अंदर आएंगे। ये पर आप लोगों ने क्या करना, अपने मॉडल को जो है यहाँ पर ऐड करना होगा। तो गाइस मैं मॉडल को बैकग्राउंड को पहले इरेज कर देता हूँ। आप लोग अपने बैकग्राउंड को इरेज करने आते तो अच्छी बात है, अगर गाइस आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू बैकग्राउंड रिमूव। तो आप लोगों ने सिंपल से वो वीडियो को देख लीजिए, बाद में आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर इरेज करना होगा। ओके, तो यह सब क्या करते हैं, अपने मॉडल को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आप लोगों ने बाइक के ऊपर इसको सही तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ओके, तो गाइस आप लोगों ने इस टाइप का एडजस्ट करना होगा। देन गाइस आप लोगों ने पर क्या करना, आप लोगों ने आड़ फोटो के अंदर फिर से आना होगा। ये पर आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों को एक ब्लैक इमेज मिलेगा, आप लोगों ने सिंपल से वो इमेज को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना, वो ब्लैक वाले इमेज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए गाइस हम ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये रहा ब्लैक इमेज, आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। देन इस इमेज को आप लोगों ने क्या करना, यहाँ पर इरेज के अंदर आना होगा। हार्डनेस को थोड़ा सा माइनस करूंगा, साइज को थोड़ा सा माइनस करके आप लोगों ने क्या करना, अपने मॉडल के नीचे आप लोगों ने हल्का से शैडो को क्रिएट करना होगा। ओके, तो गाइस आप लोगों ने इस टाइप का शैडो को क्रिएट करना होगा। देन गाइस आप लोग लेयर के अंदर आना होगा, इसको जो आप लोगों ने मूव डाउन कर दीजिए। ये जो शैडो है ये मॉडल के पीछे चल जाएगा। और गाइस इसको ऑपोजिट को हल्का डाउन करके इसको 85 में रख दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देन गाइस आप लोगों ने इसको डन कर दीजिए। ओके, तो यह सब क्या करते हैं, फिर से आर्ट फोटो के अंदर रहते हैं। ये पर आप लोग को एक पिजन का पेज मिलेगा, यानी गाइस आप लोग को एक कबूतर का पेज मिलेगा, आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। देन इस पेज को थोड़ा स्मॉल करके यहाँ पर आप लोगों ने इसको जो है सही तरीके से इसको एडजस्ट कर लगाना होगा। ओके, देन गाइस आप लोगों ने डन करके बैक आ जाना होगा। तो ये सब क्या करेंगे, आप लोगों ने फिर से आड़ फोटो के अंदर आना होगा। ये पर आप लोग को एक टेस्ट का पेन मिलेगा। ओके, तो आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। देन इस पेन को सिंपल से आप लोगों ने ऊपर में आप लोगों ने स्टेप को एडजस्ट करना होगा। ओके, देन गाइस आप लोगों ने इसको भी डन कर दीजिए। तो ये सब क्या करेंगे, आप लोग को अपने मॉडल को जो है जो कि गाइस एडिटिंग का एक लास्ट पेज बचा है, जो कि गाइस एक ब्लर का पेंज है, आप लोगों ने आड़ फोटो के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना, वो पेंज को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो चलिए गाइस हम वो वाले पेंज को यहाँ पर क्या करते हैं, फटाफट ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये पेंज ही मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, देन गाइस इसी पेंज का आप लोगों ने क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके आप लोगों ने इसको जो है फुल बैकग्राउंड में इसको लगाना होगा। ये ऑटोमेटिक अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ओके, देन गाइस आप लोगों पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे तरीके से ले जाना होगा आप लोग चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हम एडिटिंग को, ये एडिटिंग फ्यूटेशन हो चुके हैं, बाकी फ्यूटेशन एडिटिंग करने के लिए इस फोटो को लाइट रूम के अंदर अपने करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हम आ गए लाइट रूम के अंदर।
ओके तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे क्या करूंगा, लाइट के अंदर आना होगा, इसका पहले पहले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस करना होगा, ये आप लोगों ने क्या करूंगा, हाईलाइट को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, शैडो को थोड़ा सा माइनस करके व्हाइट कलर से प्लस कर दीजिए, ओके। और इसका ब्लैक आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस करना होगा, बहुत अच्छा है। देन गाइस आप लोगों ने कलर के अंदर आना होगा, वाइब्रेशन थोड़ा सा प्लस कर दीजिए यहाँ पर, ओके। और इसके जो टेम्परेचर का आप लोगों ने क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है हल्के से माइनस करना होगा, बहुत अच्छा है। और इसके जो टेंट का आप लोगों ने क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ओके। तो यह सब क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या करूंगा, मिस्क के अंदर आना होगा, रेड कलर के अंदर आएंगे, इसका ह्यू को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस करेंगे, और इसका सेचुरेशन का आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस करना होगा। यह समय आएंगे कलर के अंदर, सॉरी गाइस आप लोगों ने ऑरेंज वाले कलर के अंदर में आना होगा, सेचुरेशन हल्का से प्लस कर दीजिए, और इसके जो लुमिनस को थोड़ा सा प्लस करना होगा, ओके। तो यह समय क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या करूंगा, ग्रीन कलर के अंदर आना होगा, इसका ह्यू को आप लोगों ने थोड़ा सा पड़े प्लस कर दीजिए, और इसका ह्यू को आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ओके। देन गाइस आप लोगों ने क्या करूंगा, ब्लू वाले कलर के अंदर आना होगा, इसका ह्यू को यहाँ पर क्या करूंगा, थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, और इसका जो सेचुरेशन का आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। देन गाइस आप लोग डन करके बैक आ जाना होगा, इफेक्ट के अंदर आते हैं, टेक्सचर के ऊपर बढ़ते हैं करीबन आप लोगों ने 20 के आसपास, या फिर मैं क्या करूंगा, क्लैरिटी को हल्का से माइनस रखूंगा, और इसका डिजिट को थोड़ा सा प्लस करके इसका विग्रेड को मैं हल्का से माइनस रखूंगा, करीबन माइनस रखे इसको आप लोगों ने 6 में रखना होगा, बहुत अच्छे हैं। देन गाइस आप लोगों ने फिर क्या करूंगा, ट्रायंगल के तरह आना होगा, शार्पिंग का बढ़ते हैं, मास्किंग का बढ़ते हैं, और इसका जो नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर काफी कमाल का एडिटिंग हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का ई एडिटिंग आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।